हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे COVID-19 वैक्सीन के स्कैम के बारे में। सो वीडियो को एंड तक देखना, बहुत छोटी सी वीडियो है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके काफी ज्यादा पैसे बच सकते हैं। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी प्लीज से शेयर कर देना। सो सीधे चलते हैं टॉपिक की तरफ और बात करते हैं कि क्या फिलहाल मार्केट में चल रहा है। देखो यार, जब भी ऐसी कोई नई चीज मार्केट में आती है जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है लोगों को, तो साइबर स्कैम होना लाजमी सी बात है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। सो अभी फिलहाल हो क्या रहा है कि लोगों के पास फोन जा रहे हैं, उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछी जा रही है, आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, इस तरीके की इन्फॉर्मेशन उनसे पूछी जा रही है, मैसेज आ रहे हैं या कोई लिंक्स उनके पास भेजे जा रहे हैं जिसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन उनसे पूछी जा रही है। उसके बाद हो क्या रहा है कि उनके बैंक अकाउंट में से जो है कुछ पैसे निकाले जा रहे हैं। अब आपको किसी भी तरीके का फोन आता है वैक्सीन से रिलेटेड, या आपको मैसेज आता है किसी भी तरीके से, मेल वगैरह कुछ भी आए, आपको किसी भी तरीके से अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं दे रही, नहीं तो आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। अब थोड़ा सा समझ लीजिए कि वैक्सीन किसको लगने वाली है। अगर आप इस चीज को समझ लिया तो आप वैसे भी नहीं देने वाले। तो यार, गवर्नमेंट ने पहले ही ये क्लियर कर दिया कि जो वैक्सीन आई है फिलहाल मार्केट में वो नॉर्मल जो लोग हैं उनके लिए नहीं आई है। सबसे पहले लगेगी वो स्वास्थ्य कर्मचारियों को जो हमारी हेल्थ सर्विस हमें प्रोवाइड कराते हैं, डॉक्टर्स वगैरह हो गए या नर्स वगैरह हो गए, जो भी हेल्थ सर्विस से रिलेटेड है उन लोगों को लगेगी। उसके बाद लगेगी सफाई कर्मचारियों को, उसके बाद लगेगी जो हमें सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, हमारी पुलिस हो गई, आर्मी हो गई, नेवी हो गई, इन तरीके के लोगों को, जो भी हमें CISF है, ये जो भी सर्विसेज देते हैं सिक्योरिटी सर्विसेज, उनको लगेगी। फिर उसके बाद नंबर आएगा सीनियर सिटीजन का जिनकी एज ज्यादा है, उसके बाद कहीं जाके नंबर आएगा हम जैसे लोगों का जो यंग एज में है, जो टीन एज में है। सो हमारा वैसे भी नंबर नहीं आने वाला अभी फिलहाल तो, और ये क्लियर कर दिया है गवर्नमेंट ने गाइडलाइन में कि अभी इन लोगों को लगेगी। उसके बाद जो दूसरे तीसरे चरण जो भी इनके स्टेप आएंगे, गाइडलाइन आएंगी, उसके मुताबिक वो बता देंगे कि ठीक है भाई, इन लोगों को अब हमारे लिए, जैसे 25 साल मेरी एज है, आपकी ऊंच ऊपर नीचे हो सकती है, मेरी जो ऑडियंस है वो मैक्सिमम 35 साल के आसपास तक की है, तो हमें अभी नहीं लगने वाली, आप आराम से बैठो, जब लगेगी, जब इंडियन गवर्नमेंट की गाइडलाइन कुछ ना कुछ आ जाएगी उसके मुताबिक ही आपको जो है वैक्सीन लगाई जाएगी। वो डोर टू डोर आपको जाके लगवानी हो, कुछ भी हो, वो आपको पता चल जाएगा। लेकिन किसी भी तरीके से आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी है। बहुत ज्यादा इस तरीके के लोग एक्टिव हो जाते हैं ऐसी चीज आने पे, कुछ केसेस भी आ रहे हैं। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, उनको भी बताओ कि कैसा भी फोन आए, कुछ भी आए, इन्फॉर्मेशन मत देना। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।